गुल्ली बुल्ली और शॉन आज घर की टूटी हुई विंडो को ठीक करने में लगे हुए हैं। गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन तुम इसे रहने दो, कल दिन में हम किसी कारीगर को बुलाकर इसे ठीक करवा देंगे। लेकिन शॉन मानने को तैयार ही नहीं है। शॉन को लगता है वो इसे ठीक कर देगा। गुल्ली कहता है शॉन बीच वाली फंटी को ठीक से लगाना, नहीं तो शीशा निकल कर गिर जाएगा। बुल्ली बोला शॉन मुझे पहले से ही पता है कि तुम चवन्नी लाल आदमी हो, अगर तुमने कोई काम बिगाड़ो तो तुम्हारे कपड़े उतरवा लिए जाएंगे, ये बात समझ लो। ये बात सुनते ही शॉन गुस्सा हो गया और बोला तुमने मेरे घर की टूटी हुई विंडो देखी थी ना बुल्ली, उसे मैंने खुद ही सही किया था, मुझे सारे काम आते हैं। गुल्ली ने कहा शॉन तुम बुल्ली की बातों पर ध्यान मत दो, तुमने काम सही किया है लेकिन तुम्हारी फंटी टेढ़ी लगी है। उस दूसरे वाले फ्रेम को देखो, उसकी फंटी बीच में लगी है। दूसरे वाले फ्रेम को देखकर शॉन ने पहले वाला फ्रेम भी ठीक कर दिया। गुल्ली बुल्ली शॉन से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी किसी ने पीछे से गुल्ली को आवाज दी। गुल्ली जैसे ही पीछे पलटा उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। गुल्ली ने फौरन ये बात बुल्ली से बताई, देखो हमारे घर रॉड आया है। जब शॉन ने ये बात सुनी तो वो भी पलट कर देखने लगा। रॉड के हाथों में इतना बड़ा केक देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी बड़े हैरान थे कि रॉड इतना बड़ा केक लेकर क्यों आया है, वो भी इतनी रात को। आज बर्थडे तो किसी का है नहीं। रॉड जैसे ही गुल्ली बुल्ली के पास गया तो गुल्ली बोला रॉड ये सब लाने की क्या जरूरत थी, तुम कोई मेहमान थोड़ी ना हो। शॉन ने कहा मुझे तो अच्छा लगा तुम हमारे लिए केक लेकर आए हो। गुल्ली बोला शॉन तुम अपनी नीयत पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो, वो मेरे लिए केक लेकर आया है, रॉड को पता है कि मुझे केक कितना पसंद है। तभी रॉड बोला ये केक तुम लोगों के लिए नहीं है, ये ग्रैनी का केक है। ग्रैनी का केक, ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। गुल्ली ने कहा रॉड तुमने ग्रैनी का केक चुराया है, ये चोरी का केक हम लोग नहीं खाएंगे। गुल्ली ने कहा रॉड इसे वापस ले जाओ वरना ग्रैनी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। रॉड बोला देखो तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, एक मिनट रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आज रात ग्रैनी का अड्डे बड्डे होने वाला है और ये केक मुझे 12 बजे से पहले ग्रैनी के घर पहुँचाना है, लेकिन मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मेरे पास पंचर बनवाने का टाइम नहीं है, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। गुल्ली क्या तुम अपनी जीप कुछ देर के लिए मुझे दे सकते हो, जैसे ही ग्रैनी का अड्डे बड्डे खत्म होगा मैं तुम्हारी गाड़ी बम से उड़ा दूंगा, मेरा मतलब है कि वापस कर दूंगा। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड तुम जीप ले जा सकते हो और अगर तुम्हें स्कूटर चाहिए तो तुम वो भी ले सकते हो। रॉड बोला स्कूटर पर केक नहीं जा पाएगा गुल्ली, रुक जाओ मैं रख कर देखता हूँ। और उसके बाद रॉड ने केक उठाया और लाकर स्कूटर पर रख दिया और कहने लगा ये देखो गुल्ली सारी जगह तो इस केक ने ले ली है, अब मैं बैठूंगा कहाँ, इसीलिए तो मैं तुमसे जीप मांग रहा हूँ। अरे ये आवाज़ कैसी है गुल्ली, तभी गुल्ली ने रॉड से बताया वो ऊपर वाली विंडो टूटी हुई थी, शॉन ने अभी उसे ठीक किया है लेकिन लगता है उसका फ्रेम ठीक से टाइट नहीं हुआ है, इसी वजह से वो हवा से हिल रहा है। शॉन ने जब ये सुना तो कहने लगा मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है, मैं इसे 2 मिनट में ठीक करके आता हूँ। गुल्ली बोला रॉड मैं जाकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम केक लेकर आओ। रॉड ने कहा गुल्ली अगर गाड़ी मैं चलाऊंगा तो केक कौन पकड़ेगा, इसलिए तुम में से किसी को मेरे साथ चलना होगा। गुल्ली ने साफ इनकार कर दिया मैं तो ग्रैनी के घर नहीं जाऊंगा रॉड, तुम बुल्ली और शॉन में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ। लेकिन शॉन ने भी ग्रैनी के घर जाने से इनकार कर दिया और बुल्ली भी साथ जाने को तैयार नहीं है। गुल्ली कहता है रॉड हमारी मजबूरी समझो, हम ग्रैनी के घर नहीं जा सकते, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। गुल्ली बुल्ली और रॉड आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन अचानक ऊपर से नीचे गिर पड़ा और किसी को पता भी नहीं चला। तीनों आपस में बातें करने में मगन थे और कुछ देर बाद आखिर रॉड ने गुल्ली बुल्ली को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड जाओ तुम केक लेकर आओ, मैं और बुल्ली दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सुनकर रॉड खुश हो गया और केक लेने चला गया। गुल्ली ने कहा बुल्ली तुम जाकर शॉन को बता दो, हम रॉड को छोड़कर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और फिर बुल्ली यही बात शॉन को बताने उसके पास जाने लगा। बुल्ली ने जब पास जाकर देखा तो शॉन वहां पर नहीं था, लेकिन अभी 2 मिनट पहले तो शॉन यही था। बुल्ली ने उसे विंडो का फ्रेम ठीक करते हुए देखा था और अब अचानक से शॉन लापता कैसे हो गया। बुल्ली ने कहा गुल्ली लगता है शॉन फ्रेम ठीक करके घर के अंदर चला गया है, मैं जाकर उसे बता कर आता हूँ। गुल्ली घर के अंदर नहीं जाता, सिर्फ दरवाजा खोलकर ही बता देता है कि वो और गुल्ली दोनों रॉड को ग्रैनी के घर तक छोड़ने जा रहे हैं, हम थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे शॉन। ये कहकर बुल्ली वहां से चला गया। बुल्ली ने कहा चलो गुल्ली मैंने शॉन को बता दिया है। अरे ये क्या है, तुमने केक पर ये क्या लगा दिया, तुमने तो केक का पूरा डिजाइन ही बदल दिया है, लेकिन ये है क्या चीज। रॉड बोला मैंने कुछ नहीं लगाया है, मुझे लगता है ये पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा केक भारी क्यों हो गया है। गुल्ली ने कहा ये डिजाइन थोड़ा अजीब है, ऐसा लग रहा है केक में 2 पैर लगे हुए हैं। रॉड बोला गुल्ली बाकी बातें हम बाद में करेंगे, जल्दी चलो मुझे ये केक टाइम पे ग्रैनी के घर पहुँचाना है। गुल्ली ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और फिर तीनों ग्रैनी के घर के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब गुल्ली बुल्ली ग्रैनी के इलाके में पहुंचे तो जंगल के चारों तरफ अंधेरा देखकर बुल्ली को वो पुरानी बात याद आ गई जब यहाँ कुछ लोगों को लूटा और मारा गया था।
गुल्ली बोला, गुल्ली गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और जल्दी निकलो यहाँ से। गुल्ली बुल्ली जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे जाने का रास्ता बंद है। रॉड बोला, गुल्ली तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? गुल्ली ने कहा, रॉड आगे जाने का रास्ता बंद है, मुझे इसी बात का डर था। तभी गुल्ली बोला, वो देखो बुल्ली, ग्रैनी का घर हमारे बिल्कुल सामने है, हम गाड़ी लेकर आगे नहीं जा सकते। रॉड तुम्हें यहाँ से ग्रैनी के घर पैदल जाना होगा। रॉड गाड़ी से नीचे उतरा और ग्रैनी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी गुल्ली बोला, रॉड अब हम जा रहे हैं, तुम जाकर अड्डे बड्डे करो। रॉड गुल्ली की तरफ पलटा और कहने लगा, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं वापस घर कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। गुल्ली ने कहा, देखो रॉड, जब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे हमारे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, हम तुम्हें एक घंटे बाद आकर यहाँ से ले लेंगे। गुल्ली बोला, हाँ रॉड तुम जाकर अंदर मटर गस्ती करो, एक घंटे बाद हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। लेकिन रॉड कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला गया। गुल्ली बोला, रॉड इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। रॉड हम तुम्हें इतनी दूर से यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ आकर तुम्हारा मुंह फूल गया, तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए और रॉड ग्रैनी का बर्थडे केक लेकर ग्रैनी के घर पहुँच गया। और इधर गुल्ली बुल्ली वापस अपने घर जा रहे हैं। दोनों को इस बात का अफसोस है कि इतनी रात में वो रॉड को यहाँ लेकर आए और उसके बाद भी रॉड उनसे गुस्सा होकर चला गया। कुछ देर बाद गुल्ली बुल्ली अपने घर पहुँच गए। दोनों को शॉन से यही उम्मीद है कि वो घर में सही सलामत होगा और कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होगा। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान है कि जिसे वो घर के अंदर समझ रहे हैं उसे तो ये दोनों ग्रैनी के घर छोड़ आए हैं और जल्दी ही उन्हें ये बात पता चलने वाली है। गुल्ली गाड़ी से उतरते ही घर के अंदर चला गया और गुल्ली भी घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी गुल्ली घर से बाहर आया और कहने लगा, पूरा घर खाली है गुल्ली, शॉन घर पे नहीं है, तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अंदर जाकर देख लो, मुझे लगता है शॉन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। गुल्ली बोला, ये सब हमारी वजह से हुआ है गुल्ली, हमें शॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, अब हम इतनी रात में शॉन को कहाँ ढूंढेंगे, तुमने उसे अच्छी तरह से अंदर देखा भी है या नहीं, एक बार मैं जाकर उसे अंदर ढूंढ कर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली घर के अंदर चला गया और गुल्ली घर से बाहर। कुछ देर बाद गुल्ली घर से बाहर भागते हुए आया और कहने लगा, गुल्ली शॉन अंदर नहीं है, लेकिन मुझे कुछ याद आया है, तुमने रॉड का केक देखा था, उसमें दो पैर निकले हुए थे और रॉड ने क्या कहा था, उसका केक पहले से ज्यादा भारी हो गया है। कुछ समझ में आया तुम्हारे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गुल्ली बोला, तुम्हारा मतलब है कि शॉन विंडो ठीक करते करते अचानक नीचे गिर गया था, वो भी सीधा केक में, और वो गिरते ही बेहोश हो गया होगा, यही कहना चाहते हो ना तुम? लेकिन अब क्या होगा, 12 तो बजने वाले हैं, ग्रैनी का बर्थडे और शॉन का डेथ डे, यानी कि ग्रैनी का जन्मदिन और पॉटी बॉय शॉन का मरण दिन। ग्रैनी जैसे ही केक काटेगी शॉन भी साथ में कट जाएगा, जल्दी चलो गुल्ली, हमें शॉन को मरने से बचाना होगा। दोस्तों क्या होगा अब शॉन का, क्या गुल्ली बुल्ली शॉन को बचा पाएंगे या फिर ये दोनों खुद कोई मुसीबत में फंस जाएंगे, ये सब हम देखेंगे 21 को संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।